Good morning students, how are you all? I hope that you all are fine. Students, I am your reasoning teacher Prachi. So come, let us begin our today's class of reasoning, and it is the revision class. Okay, we will revise what we have done in the lectures of first chapter. Okay, and we will do these questions based on patterns and numbers. And another two topics are there, children. The second one was patterns in letters, and third one was patterns in figures. Okay. So, children, patterns in numbers. Here, I have taken four questions, and there are three types which we have done in the questions. First type was the normal counting, missing series. यहाँ पे बच्चों नॉर्मल काउंटिंग हमने यहाँ पे लिखी है बोर्ड पे और यहाँ मिसिंग नंबर है. ओके, अनदर वन वॉज स्किप काउंटिंग, जिसमें हम प्रीवियस नंबर में एक कोई भी पर्टिकुलर नंबर ऐड करते हैं जिससे कि हमारे को नेक्स्ट नंबर हम फाइंड कर सके. ओके, जो थर्ड टाइप है उसमें बच्चों हमने रिवर्स काउंटिंग की है, विच इज द ऑपोजिट और रिवर्स फॉर्म ऑफ नॉर्मल काउंटिंग. जैसे कि 1 to 10 काउंटिंग होती है बच्चों, तो हम रिवर्स काउंटिंग में 10 से शुरू करते हैं काउंटिंग और रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं. ओके, तो पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे बच्चों, देखो नॉर्मल काउंटिंग है और यहाँ मिसिंग नंबर है. सो 1, 2, 3, 4 एंड नेक्स्ट व्हाट विल कम हेयर इन द काउंटिंग, नेक्स्ट विच नंबर इज मिसिंग, 5. ओके, सो 5 इज मिसिंग हियर चिल्ड्रन. दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉर्मल काउंटिंग. ओके, दिस इज द पैटर्न ऑफ नॉर्मल काउंटिंग. नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट एग्जांपल चिल्ड्रन, यहाँ पे आप देखोगे हमने रिवर्स काउंटिंग का पैटर्न फॉलो किया है. ओके, फॉर एग्जांपल हमने 1 to 10 काउंटिंग लिखी, 8, 9 and 10. अब रिवर्स काउंटिंग हम 10 से शुरू करेंगे. ओके, नीचे से ऊपर हम फॉलो करेंगे. 10 के बाद है 9, देन 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. तो जो रिवर्स काउंटिंग लिखी है बच्चों हमने, ये ऑपोजिट फॉर्म है नॉर्मल काउंटिंग की. तो यहाँ पे बच्चों देखो हमने रिवर्स काउंटिंग लिखी है 10, 9, 8, 7, 6. एंड नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे देखो बच्चों, 10, 9, 8, 7, 6. नेक्स्ट विच नंबर विल कम हियर, टेल, 5. सो 5 विल कम हियर. ओके, नाउ अनदर एग्जांपल, दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिवर्स काउंटिंग. नाउ चिल्ड्रन नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमने स्किप काउंटिंग का यूज किया है इन द थर्ड एग्जांपल. ओके, यहाँ पे बच्चों हम स्किप काउंटिंग का मतलब क्या होता है, हम एक नंबर ऐसा लेते हैं जिसको हम ऐड करते हैं कंटिन्यूअसली टू गेट द नेक्स्ट नंबर. जैसे 2 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो हमें 4 मिलेगा, राइट. जो नेक्स्ट एप्पल है, ये यहाँ पे बच्चों हमने एप्पल्स ड्रॉ किए हैं 3. ओके, जो सेकंड एप्पल है इसमें 4 गिवन है हमारे को, तो 2 जो फर्स्ट एप्पल है बच्चों इसमें हम 2 ऐड करेंगे तो हमें 4 मिल जाएगा. अब सेकेंड एप्पल जो है 4 बच्चों, इसमें हम 2 ऐड करेंगे तो हमें थर्ड एप्पल 6 मिल जाएगा. ओके, नेक्स्ट अगेन चिल्ड्रन, 6 में भी हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे, 2. तो हमारे को नेक्स्ट नंबर यहाँ पे फाइंड कर लेंगे हम बच्चों, क्या आएगा 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8. तो ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया. तो दिस इज द नेक्स्ट एप्पल. ओके, नाउ अनदर एग्जाम्पल हेयर चिल्ड्रन, यहाँ पे भी हमने स्किप काउंट यूज किया है. यहाँ पे हमने बच्चों स्किप काउंट ऑफ 2 यूज किया है, क्योंकि हमने 2 को बार बार ऐड किया है नंबर्स के अंदर, सो दैट वी कैन गेट द नेक्स्ट नंबर. ओके, यहाँ पे भी बच्चों हम स्किप काउंट यूज करेंगे, बट यहाँ पे हम स्किप काउंट यूज करेंगे 5. ओके, वाई, बिकॉज हम पहला नंबर लेंगे बच्चों 5, इसमें जब हम 5 ऐड करेंगे तो हमारे को नेक्स्ट नंबर जो है 10 मिल जाएगा. अब हम 10 लेंगे बच्चों सेकेंड नंबर, इसमें अगेन हम 5 ऐड करेंगे तो हमारे को नेक्स्ट नंबर क्या है 15 मिल जाएगा.
अब 15 में अगेन बच्चों हम 5 ऐड करेंगे तो हमारे को नेक्स्ट नंबर क्या मिलेगा 20। अब 20 में भी बच्चों हम सेम थिंग करेंगे, वी विल ऐड 5। 20 में हम 5 ऐड करेंगे तो हमारे को नेक्स्ट नंबर क्या मिलेगा ऐड करने पे 25। सो दिस इज द आंसर। ओके, हमने यहाँ पे स्किप काउंट किसका लिया है बच्चों, ऑफ 5। बाय, क्योंकि हम 5 को बार बार प्रीवियस नंबर में ऐड करेंगे सो दैट वी कैन गेट द नेक्स्ट नंबर। ओके, अब हम बच्चों पैटर्न्स इन लेटर्स की बात करेंगे। ये पैटर्न्स इन नंबर्स हमने कर लिया, नाउ वी विल डू पैटर्न्स इन लेटर्स एंड फिगर्स। ओके, सो चिल्ड्रन दीज आर द 3 एग्जांपल्स ऑफ पैटर्न्स इन लेटर्स एंड दीज आर द 3 एग्जांपल्स ऑफ पैटर्न्स इन फिगर्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू पैटर्न्स इन लेटर्स। यहाँ पे बच्चों फर्स्ट एग्जांपल जो है, यहाँ पे हमने सिंपल एक अल्फाबेटिकल सीरीज ली है एंड यू ऑल्सो कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि यहाँ पे हम बच्चों पहले अल्फ़ाबेट्स देखेंगे बोर्ड पे, ए बी सी डी ई। ई के बाद में क्या आता है बच्चों अल्फाबेटिकल सीरीज में, यू हैव टू सिंपली राइट हेयर। ई के बाद क्या आएगा बच्चों, ए बी सी डी ई एंड एफ फॉर फिश, सो एफ विल कम हेयर। ओके, नेक्स्ट चिल्ड्रन इन अनदर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने बच्चों स्किप किया है लेटर को टू गेट द नेक्स्ट लेटर। यहाँ पे बच्चों ए के बाद में हमने बी को स्किप किया है, बी के बाद आता है बच्चों सी, तो हमने बी के बाद जो नेक्स्ट लेटर होगा सी वो हमने यहाँ पे लिख दिया। सी के बाद नेक्स्ट लेटर क्या आता है बच्चों, डी। डी को स्किप करके हमने ई लिख दिया। ई के बाद आता है बच्चों एफ, एफ को स्किप किया हमने और जी लिख दिया। ओके, एफ के बाद में बच्चों जी आता है इसलिए हमने एफ के बाद जो नेक्स्ट लेटर है वो यहाँ पर लिख दिया। ओके, सो हमने बेसिकली यहाँ क्या किया बच्चों, हमने ए के बाद डायरेक्टली सी लिखा है, बीच में जो एक लेटर आएगा बी उसको स्किप कर दिया, सी के बाद में जो डी आता है उसको स्किप करके बी के बाद वाला जो लेटर है ई उसको यहाँ लिख दिया। ई के बाद एफ आता है, एफ को स्किप करके एफ के बाद जो नेक्स्ट लेटर है बच्चों जी वो हमने यहाँ लिख दिया। अब जी के बाद में बच्चों हम सेम थिंग करेंगे, एच जो आता है नेक्स्ट लेटर उसको स्किप करेंगे और एच के बाद जो लेटर आता है बच्चों आई वो हम यहाँ लिख देंगे। ओके, तो ये स्किपिंग फॉर्म है। ओके, अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है बच्चों, यहाँ हमने सीरीज ली है, ये हमने रिपीटिंग सीरीज ली है लेटर की। यहाँ पे आप देखो बच्चों ए बी, ए बी, ए के बाद में यहाँ पे ब्लैंक है, आपको फाइंड करना है कौन सा लेटर आएगा। तो यहाँ बच्चों देखो रिपीटिंग सीरीज है, मतलब ए बी बार बार रिपीट हो रहा है। तो ए के बाद में क्या आएगा, यहाँ पे आप देखो बच्चों ए के बाद क्या है बी। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछू नेक्स्ट अगेन कौन सी सीरीज आएगी, ए बी ए बी ए बी, तो वापस हम ए बी लिखेंगे नेक्स्ट सीरीज में। ओके, नेक्स्ट ब्लैंक में अगेन ए बी लिखेंगे। अब बात करेंगे बच्चों पैटर्न्स इन फिगर्स की। यहाँ पे हम हमने एक एग्जांपल इस टाइप का किया था। ओके, सेकंड वाज दिस एंड थर्ड वन वाज दिस। अब हम फर्स्ट एग्जांपल की बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे 1, 2 और 3 बॉक्स गिवन है। ओके, फोर्थ बॉक्स यहाँ पे देखो बच्चों खाली है, हमारे को उसको फिल करना है, उसके अंदर हमने पैटर्न ड्रॉ करना है। ड्रॉ कैसे करेंगे बच्चों, हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें क्या पैटर्न हमने फॉलो किया है और सिमिलरली हम फोर्थ बॉक्स को ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड बॉक्स में बच्चों कॉमन है एक स्ट्रेट लाइन जो दो कॉर्नर्स को देखो बच्चों कंबाइन कर रही है, राइट, टू कॉर्नर्स को ज्वाइन कर रही है एक स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले तो बच्चों हम डॉटेड लाइंस को फुल लाइन से ड्रॉ करेंगे। ओके, देन हम जो कॉर्नर्स हैं उनको कंबाइन कर देंगे एक स्ट्रेट लाइन से। अब आपको नेक्स्ट क्या दिख रहा है बच्चों, जो हमने स्ट्रेट लाइन बनाई है इनके ऊपर एक स्मॉल लाइन एक और ड्रॉ की है, राइट, तो ये स्मॉल लाइंस हम ड्रॉ कर देंगे और इसके ऊपर अगेन हम सेम यहाँ पे ऑब्जर्व करके फोर्थ बॉक्स में भी करेंगे। ओके,
नेक्स्ट क्या है बच्चों, एक सेंटर पॉइंट होता है, ये एक बहुत बड़ा बॉक्स है, जो बिगर बॉक्स है इसके बीच में एक सेंटर पॉइंट है, और जो छोटे बॉक्स है बच्चों 1 2 3 4, आप ईच बॉक्स के अंदर देखोगे कि एक स्मॉल लाइन सेंटर पॉइंट के पास में ड्रॉ है, राइट। तो हम सेम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे और फोर्थ बॉक्स में भी सेंटर पॉइंट के पास एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ओके। अब आप देखो बच्चों, जो चारों बॉक्स हैं वो इक्वल हैं, राइट। चारों बॉक्स में सेम पैटर्न है, राइट। कोई भी आपको डिफरेंस यहाँ पे नहीं दिखेगा, और हमारा फोर्थ बॉक्स कंप्लीट हो गया, दैट मीन्स आवर पैटर्न इज कंप्लीट, ओके। नेक्स्ट हेयर चिल्ड्रन, यहाँ पे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, स्टार अ मून, स्टार अ मून, देन व्हाट विल कम नेक्स्ट, यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है बच्चों, स्टार मून, फिर वापस स्टार आ गया, अगेन मून, तो यहाँ नेक्स्ट अगेन क्या आएगा बच्चों, स्टार के बाद मून है, अगेन स्टार के बाद मून है, तो यहाँ पे अगेन स्टार आएगा, ओके। इन द नेक्स्ट एग्जांपल सेम थिंग इज डन, यहाँ पे स्क्वायर है, देन सर्कल, देन स्क्वायर, देन सर्कल, देन अगेन व्हाट विल कम, स्क्वायर, ओके। ये शेप्स हैं बच्चों और ये फिगर्स हैं, ओके। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पैटर्न्स इन लेटर्स एंड पैटर्न्स इन फिगर्स। सो चिल्ड्रन प्लीज गो थ्रू दिस चैप्टर वंस अगेन। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग।